खांडू श्याम जी मंदिर में जाने से पहले मैं दो चीज़ें और या फिर तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा, जो कि मैं वीडियो में ही बताऊँगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंदिर श्याम। मैं हूँ दीपक कुमार, देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि नहीं, शायद आपको नहीं पता है, हम लोग जयपुर से निकल मतलब सीकर से निकल आए हैं अपने रूम से, और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं खांडू श्याम जी के मंदिर। अब देखते हैं दर्शन हो पाते हैं या नहीं। भाई ये क्या कह दिया तुमने, दर्शन तो करने ही है भाई, इतनी दूर से आए, मैं इंदौर से आया हूँ, ये थोड़ा इसको ये झांसी से आया है, दर्शन तो करने ही है। हाँ, हालांकि हम लोग काफ़ी लेट है, हमें धीरे धीरे छोड़। एक्चुअली हम लोग की बस है जयपुर से और उसका टाइमिंग फिक्स है, उसकी टिकट हो चुकी है, 9 बजे की बस है। अब अगर ये वाली बस अगर लेट होती है तो हम खांडू श्याम जी जाने में लेट हो जाएंगे, और वहाँ से अगर हम लोग लेट होते हैं तो हम जयपुर पहुँचने में लेट हो जाएंगे। हमें जयपुर से बस मिस नहीं करनी, हालांकि टाइम है बट कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये लोकल बस का कोई वो नहीं होता है, जब मर्जी होती है तभी चलती है। लेट्स सी, देखते हैं, वेट कर रहे हैं, अगर टाइम पे पहुँचे तो अपन दर्शन करेंगे। वेल, हमारी बस टाइम पे चल तो चुकी है, बस पहुँच जाए। हम लोग खांडू श्याम जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी 1 किलोमीटर है, बाय वॉक जाना पड़ेगा, बस ने हमें 1 किलोमीटर पहले उतार दिया। बाहर बोर्ड तो लगा है, गाड़ी अंदर जाना मना है, बट गाड़ियां यहाँ पे बहुत सारी आ रही है। बाहर बोर्ड क्यों लगा है फिर, गाड़ियां मना है भाई, हिंदुस्तान है। तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए जहाँ से आप प्रसाद ले वहीं पे आप बैग रख दें और उस दुकान का कार्ड लेना ना भूलें, क्योंकि आप निकलते अपोजिट साइड से हैं और दुकान आप नहीं ढूंढ पाएंगे। हम लोगों ने प्रसाद तो ले लिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ, तो अब कह सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली भगवान जी के पास जा रहे हैं। वहाँ पर फूल लेना हमारी दूसरी गलती है, क्योंकि ये जो फूल हैं आप 10 कदम पहले लेंगे एंट्री से, और वो मेन गेट पे ही, इस गेट के बाद जो गेट आएगा वहाँ पे वो आपसे फूल फेंकवा देंगे। अगर वो फूल अंदर ले जाने की परमिशन देते तो एक बार सही भी था, लेकिन अगर आप 10 कदम चलने के लिए वो फूल खरीद रहे हो और फेंक रहे हो तो पैसे की बर्बादी है। वहाँ पे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रिनोवेट हुई है, मंदिर जो है एक शेड के अंदर कर दिया गया है, और ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं अलग अलग, और ये आपको मंदिर की तरफ नहीं, मंदिर के सामने से लेके निकलेंगी, क्योंकि आप सामने से दर्शन करते हुए निकल जाएंगे, मंदिर के अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी VIP कल्चर चल रहा है। बन गई अब तो, लस्सी लगेगी एक।
मतलब हम लोगों को जगह तक नहीं मिल रही है हम लोग बैठ के जा सकते। अभी हमारा नया सब्सक्राइबर खड़ा हुआ, नया सब्सक्राइबर। गाइस देखो मुझे मेरा नया एक और सब्सक्राइबर मिल गया जबरदस्ती। पहुंच तो गया क्यों भाई? मुझे अफसोस तुम्हारी एसी की तैशी हो गई विशाल। क्या हुआ भाई? एसी थी ना, अब तो हवा आएगी बाहर से। माय गॉड, हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं, मतलब निकलने ही वाले हैं, बस हम लोग को मिल चुकी है। और इस बार हम लोग सिटिंग वाली से जा रहे हैं, सिटिंग में हाथ पकड़ निकले हो, यहाँ रख ले बोले। रात के 10:30 और बस ने अभी से ब्रेक ले लिया है, मतलब एक ही ब्रेक लगता है, और रेस्ट स्टॉप के लिए ब्रेक लिया है, खाना वाना चाय वाय। बस खड़ी हुई और अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, वैसे जयपुर में बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। इस वक्त बज रहे हैं 6:10 और हम लोग आ गए हैं झांसी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने मेरी तरह दर्शन कर लिए होंगे खाटू श्याम जी के। तो अगर आपने दर्शन कर लिए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। और ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो काफ़ी आगे तक ऐसे चलते रहेंगे अपने वीडियोज़ भी। तो मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।